जिला बिलासपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा लंपी रोग पशुओं की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है और कई पशु इसका शिकार हो चुके हैं। क्षेत्र के किसान परेशान हैं। देसी दवाइयों के अलावा वैक्सीनेशन के साथ साथ और कई तरह के उपचार किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में समाजसेवी संस्थाएँ भी इस रोग के निवारण के लिए आगे आए हैं, जिसमें श्री नैना देवी सर्वहित कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य गौतम अपने साथियों के साथ गांव गांव में जाकर इस रोग से ग्रसित गोवंश का उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की टीम इसके साथ संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जो देसी दवाइयां हैं वे भी गोवंश को दी जा रही हैं ताकि जिस महामारी से इनकी रोकथाम की जा सके। सर्वहित कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य गौतम ने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से यह बीमारी फैल रही है उसे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है और अपने पशुधन को लेकर किसान चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं का भी कर्तव्य बनता है कि वे आगे आएं और इस फैल रही महामारी को रोकने के लिए किसानों की सहायता करें। आजकल जो विश्व भर में बेजुबान जानवर जो हमारे हैं पशु हैं उनमें जो बीमारी फैली हुई है, आज हमारी संस्था द्वारा हमारे जो नज़दीकी पंचायतें हैं और साथ लगते जो गांव हैं वहाँ पे जितने भी हमारे पशु हैं जो आवारा छोड़ दिए गए हैं उनको जो अब जो दवाई तैयार गई है वो खिलाई भी गई और हमारे जो पशु अस्पताल हैं वहाँ के कर्मचारियों के साथ उनकी मदद से भी हमारी संस्था के साथ हम सब ने मिल के जो है वो उन पशुओं को दवाई भी लगाई और उनका टीकाकरण भी किया गया। हमारी सरकार से भी मांग है कि कोई क्यों योजना तैयार की जाए सबके सहयोग से जो है वो जितने हमारे पशु है जो अब गंभीर परिस्थिति में है जो बेजुमान है जिनका कोई सहारा नहीं है सरकार उनके और भी ध्यान दे और उनका टीकाकरण किया जाए। एक तो उनकी जान भी बच सकेगी, साथ ही जो हमारे किसान बागवान हैं जिन्होंने अपने घर में पशु रखे हैं वो फिर उनके संपर्क में ना आएंगे और वो भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।